ये तो मेरे लिए खुशी की बात है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेडी सिंघम के लिए, क्योंकि 3-4 साल के बाद मेरी एक्शन फिल्म आ रही है. चूँकि लोग मुझे एक्शन में देखना पसंद करते हैं और 3-4 साल से मैंने कोई एक्शन फिल्म की नहीं थी, तो कह सकते हैं कि एक्शन में वापस अगेन कम बैक कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. पिक्चर देखे मैम, कहीं ना कहीं हिंदी सिंघम से भारी पड़े लेडी सिंघम. ओ माई गॉड, रियली थैंक यू सो मच. वैसे उनसे तो रोहित शेट्टी की फिल्म से तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारी ऑडियंस तक हम अपनी बात रख सके इस फिल्म के जरिए. लेडी सिंघम मीन्स लेडी पावर. सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही इन दिनों. लेडी पावर के ऊपर है और हमारा जो मैसेज है आई थिंक इस फिल्म के जरिए पहुंच जाए. क्या मैसेज देना चाहती हैं मैम? देखिए, मैसेज ये है कि जो आप लोग अगर फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल जो हमारे इंडिया में चल रहा है लड़कियों को लेकर, रेप हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर वो एक टॉपिक भी इस फिल्म में दिखाई देगा कि किस तरह से रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, बिंदास हो गए हैं क्योंकि कानून कुछ कर नहीं रहा है, और लेडी सिंघम होने के नाते मैं किस तरह से न्याय दिलाती हूँ इस फिल्म में नारियों को, वो देखने लायक होगा. तो दिलीप जी बहुत एक्शन फिल्में बनाते हैं, तो आप कैसा लगा? दिलीप जी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, और मुझे बहुत, मेरी उनके साथ ये तीसरी फिल्म है. इसके पहले हम लोगों ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की थी दिलीप जी और मैंने साथ में, लेकिन एक्शन फिल्म पहली बार किया. और उनका अलग तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बहुत ही एक्साइटेड कर देते हैं एक्टर को स्टोरी सुना के. आई होप कि पब्लिक भी एक्साइटेड होगी. अभी आप फिल्म देखने जा रहे हैं और आपके कलाकार भी हैं साथ में, तो कैसा रहा है? शक्ति कपूर जी बहुत सीनियर है मुझसे और इतने एनर्जेटिक एक्टर हैं, इतने एनर्जेटिक इंसान हैं कि यू नो मुर्दा भी ना मुर्दे में भी जान डाल देंगे, वो इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर. बहुत अच्छा लगा उनके साथ, काफ़ी कुछ सीखा और वो इतना ज़्यादा मोटिव करते थे मुझे. मोटिवेशन तो मतलब माइंड ब्लोइंग था उनका मुझको लेके, बहुत बहुत ही अच्छा लगा. प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट.